हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आज का वीडियो टाइटल से आप समझ ही गए होंगे कि किससे रिलेटेड होने वाला है। आज ही मुझे सुबह आई हैव रिसीव्ड दिस पैकेज और इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ। शादी जब हो जाती है तो ऑफकोर्स ये सबके लिए स्पेशल होता है। आजकल का आप ये ट्रेंड कहें या फैशन कहें, लेकिन आजकल बहुत से कपल्स अपने वेडिंग गार्लेट्स को, यानी कि अपनी शादी की वरमाला को, उसको हमेशा प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं। कुछ लोग उसको फ्रेम करवाते हैं। फ्रेम करवाना मैं कहूँगी थोड़ा सा ट्रेंडी नहीं रहा है, अब उसका ट्रेंड जा चुका है। अब आप देखेंगे अगर इंस्टाग्राम पे, तो इंस्टाग्राम पे आपको बहुत सारे ऐसे पेजेस या आपको स्टोर्स मिल जाएंगे जो आपके वेडिंग की गार्लेट्स को, इन वरमाला को प्रिजर्व करते हैं एक अलग ही ढंग से, एक अलग ही तरीके से, जैसे कि आप इससे कोई भी चीज़ें बनवा सकते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूँगी अपने इस पार्सल की अनबॉक्सिंग और मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मैंने अपनी शादी की वरमाला से क्या बनवाया, क्या कुछ पड़ा। पूरी डिटेल्स आप लोगों के साथ में मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, तो लास्ट तक बने रहिए। बहुत ही अच्छा कुछ निकल करके आने वाला है। मुझे भी नहीं पता कि वो किस तरीके से होगा, मैंने थोड़ा सा बस पिक्चर में देखा था, बट आप लोगों के सामने आज मैं इसकी अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ। तो लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस। इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। अनबॉक्सिंग कर ली है हमने और अनबॉक्स करने के बाद में मुझे दो चीज़ें उसमें से निकली है। कार्डबोर्ड का इस तरीके से बॉक्स है और दूसरा मुझे उन्होंने मेरे वेडिंग गार्लेट्स के जो भी बचे हुए फूल थे, आप देख सकते हो, वो उन्होंने इसी तरीके से मुझे भेज दिए हैं। और दूसरा ये बॉक्स में है, तो इसको भी देख लेते हैं। ये वो चीज़ है जो मैंने बनवाई है, तो थोड़ा सा सस्पेंस अभी बनाए रखते हैं क्योंकि मुझे भी बहुत जल्दी हो रहा है कि मैं इसे खोल लूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहती हूँ। ये मैंने बनवाया है इंस्टाग्राम स्टोर से, रेजिन बाय निधि करके जो पेज है। सारी की सारी डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दूँगी। स्क्रीन पर भी आपको उनकी इंस्टाग्राम का पेज का आईडी दिख रहा होगा, तो आप इंस्टाग्राम पे जा कर के उनके पेज को देख सकते हैं, उन्हें फॉलो कर सकते हैं। तो मैंने जब ये डिसाइड किया, सबसे पहले तो ये होता है कि आपको डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है कि आप करना क्या चाहते हैं अपनी वेडिंग गार्लेट्स का। तो मैं अपने बारे में बताऊं तो मैंने जब अपने वेडिंग गार्लेट्स को प्रिजर्व करने के बारे में सोचा तो मैं बहुत ही कंफ्यूज थी। तो मैं बहुत सारे पेजेस पे मैंने स्क्रॉल किया, उसके बाद में मैंने प्राइजेस को कंपेयर किया, तो क्योंकि ऑफकोर्स हम बजट फ्रेंडली हमेशा चाहते हैं और जहाँ पे ऑप्शंस मिलते हैं तो फिर हम क्यों ना सबको स्क्रॉल करके और बेस्ट वाला चुने अपने बजट के हिसाब से, अपनी चॉइसेस के हिसाब से। तो मैंने बहुत सारे पेजेस को स्क्रॉल किया, देन उसके बाद में मुझे रीजंस बाय निधि, ये निधि है जो अपना पेज रन करती हैं, तो मुझे उनका पेज बहुत ही अच्छा लगा, बजट फ्रेंडली लगा। क्योंकि बाकी जब मैंने प्राइजेस कंपेयर किए तो उनका मुझे काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली लगा कंपेयर टू ऑल। हो सकता है कि ये प्राइस आपको ऊपर नीचे मिलते रहे, क्योंकि इट डिपेंड्स कि आप किस तरीके का अपना फ्रेम का डायमेंशन रखवाते हैं। शेप और साइज एंड डायमेंशन के ऊपर भी बहुत आपके प्राइजेस वेरी कर सकते हैं। तो मैंने एक फ्रेम चुना और उसके बाद में मैंने उनको बताया कि मुझे कितना डायमेंशन चाहिए। निधि इस थ्रू आउट जर्नी में, थ्रू आउट प्रोसेस में बहुत ही कोऑपरेटिव रही। मैंने उनसे भी पूछा कि वो मुझे अपने सजेशंस क्या देना चाहेंगे, उन्होंने मुझे बेस्ट चीज़ें ही सजेस्ट करी, मैं आप लोगों से बता दूँ। और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। इन फ्यूचर भी मुझे ऑफकोर्स अगर मौका मिलेगा मैं ज़रूर उनसे कुछ ना कुछ और भी बनवाऊंगी। तो यहाँ तो मैंने अपनी वेडिंग गार्लेट्स को प्रिजर्व किया है, आप उनके पेज पर देख सकते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। हमारा प्रोसेस तो ऑफकोर्स आपको निधि ही बता पाएंगी, तो आप उनके पेज को ज़रूर से चेकआउट करें। और मैं एक चीज़ और आपको बोल दूँ, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो जस्ट मेक श्योर कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो उनके इंस्टाग्राम पेज पर आपको मिल सकता है 5% का ऑफ। अगर आप मेरा कूपन कोड जो है वो यूज़ करते हैं, मेरा कूपन कोड है उर्वशी05, तो अगर आप उर्वशी05 कूपन कोड यूज़ करते हैं तो आपको एडिशनल 5% का डिस्काउंट मिलेगा। तो मैं अब देखती हूँ कि मेरा फ्रेम कैसा बना है, क्या है इसमें, आप लोगों को दिखाती हूँ। Oh, 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 oh
guys can see, this is so pretty. Wow, this is so pretty, isn't it guys? और पीछे आप देख सकते हो, इन्होंने इस तरीके से ये चेन जो है मुझे अटैच करके दिया हुआ है. बेसिकली उन्होंने मुझसे पूछा था कि मैं चेन वाला रखना चाहूँगी या स्टैंड वाला, तो मैंने कहा था कि मैं श्योर नहीं हूँ. तो उन्होंने मुझे इसके साथ में एक ये स्टैंड भी भेजा है जिस पे मैं इस तरीके से इसको ऐसे लगा सकती हूँ जहाँ पर भी मैं चाहूँ. और अगर मैं इसे हैंग करना चाहूँ तो मैं इस तरीके से इसको हैंग भी कर सकती हूँ. वो इस तरीके से कुछ मैंने बनवाए हैं. जो भी पर्ल्स हैं वो इस तरीके से उन्होंने कॉर्नर में लगाए हैं. और यहाँ पर थोड़ा सा अगर रिफ्लेक्ट हो रहा होगा तो यहाँ पर मेरा और मेरे हस्बैंड का नाम लिखा हुआ है और यहाँ पे मेरी वेडिंग डेट लिखी हुई है. तो आप जो भी चाहें आप यहाँ वो चीज़ लिखवा सकते हैं, आप अपना नाम लिखवा सकते हैं जो भी. और ये जो पिक्चर थी, ये पिक्चर बहुत अच्छी लगी थी. तो इस तरीके से मैंने इस फ्रेम के थ्रू मेरी वेडिंग गार्लेट्स को हमेशा के लिए मेमोरेबल बना दिया है, प्रिजर्व करके रखा है. तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये फ्रेम कैसा लगा. मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा है, आई एम जस्ट लविंग इट. और कहीं ना कहीं मैं इसको सेटअप करूँगी आने वाले वीडियोज़ में. हो सकता है आपको इस तरीके से ये फ्रेम कहीं मेरी वीडियो में देखने को मिल जाए. तो अगर आपको ये फ्रेम अच्छा लगा हो तो इंस्टाग्राम पे जाकर के रेजन्स बाय निधि के पेज को ज़रूर फॉलो करें. बाकी सारी डिटेल्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हैं, तो डू नॉट फॉरगेट टू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. और इस फ्रेम के बारे में जो भी आपके कॉमेंट्स हो मुझे कॉमेंट्स करके बता सकते हैं. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके चले जाना, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस ज़रूर शेयर करना, निधि के पेज को चेकआउट करना ना भूले क्योंकि उनके पास में फ्रेम और इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं. डू नॉट फॉरगेट टू चेकआउट हर इंस्टाग्राम पेज, डिटेल्स आर इन द डिस्क्रिप्शन. टेक केयर, बाय. मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में.